पर बच्चों में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पीछे की वजह हम आज नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे बच्चों में लगातार डिप्रेशन या तनाव बढ़ता चला जा रहा है? डिप्रेशन आने की छोटी छोटी मूल वजहें होती है, उन मूल वजहों को अगर हम पकड़ लें तो हम डिप्रेशन से कहीं ना कहीं निजात पा लेंगे। लेकिन उन मूल वजहों के बारे में हमें आज जानने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी मूल वजह है जिसकी वजह से लगातार बच्चों में आज तनाव आ रहा है? सबसे पहली मूल वजह, आज हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातों में उलझे हुए हैं, और जब नेगेटिव बातों में लगातार उलझे हुए हैं तो वो लगातार डिप्रेशन हमें देकर जाती है। नेगेटिव बातें कोई सी भी हो सकती है, परिवार की हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव बातें आ सकती है, हमारे दोस्तों की नेगेटिव बातें हो सकती है, या सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है वो पढ़ाई की भी हो सकती है। लेकिन आज हमें पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, लेकिन पॉजिटिव आज रहना इतना आसान नहीं है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉजिटिव कहीं से मिलता नहीं है, पॉजिटिव खुद क्रिएट करना पड़ता है। आपका जो दोस्त भी होगा वो आपको पॉजिटिविटी देकर नहीं जाएगा, वो भी नेगेटिविटी ही देकर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हमें खुद को बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं पॉजिटिव रहूँगा, मुझे देखकर और भी पॉजिटिव होंगे। तो खुद को पहले पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, बाद में पॉजिटिव दूसरों को देने की आवश्यकता है। पॉजिटिव कैसे रहें उसके बारे में कुछ आपको टिप्स देता हूं। सबसे पहला टिप्स है खुद को पॉजिटिव रखने का, अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट कर दें, सवेरे जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठकर अपने क्रियाकलाप को करता है या सवेरे जल्दी उठकर मेडिटेशन करता है, वह हमेशा सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सुबह के जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल सकारात्मक इन्वायरमेंट होता है, और उस सकारात्मक इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और जब वो एनर्जी हमारे ब्रेन पर पड़ती है तो हमारा ब्रेन बिल्कुल पावरफुल हो जाता है, हमारा ब्रेन पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है, और उन्हीं पॉजिटिव संकल्पों के साथ हम पूरी दिनचर्या को जीते हैं, तो हमारा माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती। तो हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए। दूसरा है, हमें उन दोस्तों का संग करना चाहिए जो पॉजिटिविटी देकर जाते हों, ऐसे व्यक्तियों का संग बिल्कुल ना करें जो आपको नेगेटिविटी देकर जाते हों। तो ये दो जो टिप्स हैं आप अपने जीवन में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी भी नहीं। धन्यवाद।